हेलो गाइस, तो ये रहा मेरी फूफो का घर और मैं आज आपको इस व्लॉग में मेरी जो फूफो का फूफो मतलब आत्या, जिसको मराठी में आत्या बोलते हैं और इंग्लिश में आंटी बोलते हैं, मतलब मेरे फादर के सिस्टर, तो मेरे फादर की सिस्टर का घर है ये। तो मेरी आंटी जो है वो इधर खेती करती है, तो मैं आंटी या फुप्पू बोलूँ तो आप समझ जाना कि मैं एक उन्हीं को रेफर कर रहा हूँ। तो ये रहा उनका घर, बहुत ही ब्यूटीफुल। बड़े बड़े घर देखे मैंने, बट मुझे पता नहीं, ये सिंपल घर बहुत अच्छा लगता है। और ये रहा खेत, तो घर तो मतलब बस ऐसा ही है। और इस घर के सामने सीताफल के 10-12 पेड़ है, जो कि मैं आपको अभी बताता हूँ। ये देखो, ये तो जस्ट वन एक पेड़ है, ऐसे लाइन से इस बांध के ऊपर सारे पेड़ ही पेड़ हैं, सारे पेड़ ही पेड़ हैं। ये जलन है, जलाने के लिए आग आग मतलब जैसे खाना वगैरह बनाने के लिए या पानी गर्म करने के लिए, चूल्हे के अंदर जो लकड़ियाँ डालते हैं उसके लिए जलन है ये। वैसे तो गैस सिलेंडर आ चुका है इधर, लेकिन फिर भी इधर चूल्हे का यूज़ होता है आज भी, रोटियाँ वगैरह बनाने के लिए, ज्वारी की रोटी। ये देखो ज्वारी के खेत, और ये सीताफल के झाड़, बहुत सारे झाड़, एक दो नहीं, कम से कम 10 से 15 झाड़ है यहाँ पे। ये देखो उधर, आपको एक दिखाया था उधर, और अभी इधर देखो, ये कम से कम एक, उधर देखो दो, इधर ये तीन, मतलब बहुत झाड़ है यार ये, मतलब पूरा बांध के ऊपर बहुत झाड़ है और बहुत सीताफल लगते रहते हैं। तो ये पूरे बांध पे झाड़ ही झाड़ है। वो कोई एक नया घर बन रहा है, 25 साल के बाद मैं कोई नया घर नज़दीक में, मतलब ज़्यादा नज़दीक नहीं, ये भी दूर ही है, तो कोई घर दिख रहा है। अदरवाइज घर देखो इतने दूर दूर है, घर बहुत दूर दूर होते हैं यहाँ पर। और ये देखो, ये भी सीताफल का झाड़, फिर आगे बांध तक सारे झाड़ ही झाड़ है अलग अलग। सीताफल के 10 से ज़्यादा झाड़ है इधर, 10 से 15 के करीब झाड़ है। ये देखो, ये भी सीताफल का झाड़, ये देखो, ये भी सीताफल का झाड़, ये देखो, ये एक और एक, ये एक और एक, मतलब पूरे बांध के ऊपर सिर्फ सीताफल ही सीताफल है झाड़। आई थिंक इतना ही है, बाकी ये फिर से जलन है शायद से, जो सूख गया है। और फिर ये एंड होता है हमारा खेत, मतलब जहाँ पर खेत का एंड जो होता है वो यहाँ पर है। तो बस यही था, और ये रहा खेत हम लोगों का। ये साइड में जो आप देख रहे हो, ये किसी और का खेत है, और ये जो गया है स्ट्रेट लाइन, ये हम लोग का खेत है। ये जो ज्वारी लगी है, फिर गन्ने लगे हैं, फिर वो जो नारियल के झाड़ तक हम लोग का ही खेत है, वो हम लोग का मतलब हमारी आंटी का, फुप्पू का। तो मैं तो बचपन से इधर आता था, 25 साल से, जब सब समझ आई तो मुझे पता है, मतलब मुझे तो इधर हमेशा मन लगता है, क्योंकि खेतों का ये जो मतलब सुंदरता है, ये सब मुझे पहले से ही भाती है, पहले से अच्छी लगती है। तो यार वो खेती में काम वगैरह भी करता था मैं, बांध वगैरह भी मतलब काम किया हो, बांध वगैरह ये सब जो बांध होते हो उसको तोड़ के बनाना, वो सब भी किया हो, खेती में भी काम किए हैं, मतलब इंटरेस्ट तो है भाई खेती में, है नहीं वो अलग बात है, लेकिन इंटरेस्ट बहुत है खेती में, मतलब बहुत सुकून मिलता है बस। और जो काम में सुकून मिले ना, वो करने में मज़ा आता है। दुनियादारी वो सब है ठीक है, लेकिन भाई खेती का काम एक अलग ही है, मतलब मज़ा आ जाता है। फिर ये गन्ने का खेत हम लोग का नहीं है, ये किसी और का, ये रास्ता है। ये गन्ने का खेत, ये हम लोग का खेत,
ठीक है, इधर ज्वारी वगैरह देखो लगी है। अभी 4-5 दिन पहले बारिश आई थी, 5-6 दिन पहले, तो उसी का असर है कि ज्वारी आ गई, अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। ज्वारी वगैरह कुछ नहीं आ रहा था। ये है देखो, ये हम लोग का खेत है, ये हम लोग का घर है, ये खेत लगे हैं। ज्वारी आई है अभी और वो आगे हम लोग ने लगाए है गन्ना, शुगर केन। ज्वारी को इंग्लिश में सोरगम बोलते हैं, सोरगम। तो ये सोरगम का खेत है और ये शुगर केन का खेत है। आगे वो झाड़ दिख रहे, वहाँ तक खेत गए हैं। और ये जो है ये हम लोग का नहीं खेत, ये अंगूर की बाग, आप देख सकते हो। आप लोगों नज़दीक से बता देता हूँ एक बार, अंगूर की बाग। ये देखो ये सूख गया है, मतलब शायद इसके ऊपर से अंगूर ऑलरेडी निकाल दिए हैं और जस्ट उसका ढांचा रह गया है, तो शायद इसमें वापस डालेंगे। और ये रही अभी अंगूर की बाग, प्रॉपर बाग, जो मतलब अभी इसमें अंगूर लगने वाले हैं, या तो लग चुके होंगे, नहीं लगे नहीं है। तो ये है भाई अंगूर की बाग, आप देख सकते हो। तो अंगूर लगे तो नहीं है इसमें, अभी लगेंगे शायद, शायद जनवरी तक, नॉर्मली जनवरी के एंड तक लग जाते हैं। बारिश बहुत ज़्यादा हुई थी 4-5 दिन पहले, तो शायद उसका परिणाम हो सकता है कुछ कर, मतलब लगे नहीं, ऐसा भी हो सकता है। बट ठीक है, ऐसा कुछ हो नहीं यार, किसी का भी नुकसान ना हो और अंगूर अच्छे से आ जाए। तो आप देख सकते हो ये अंगूर की बाग कितनी ब्यूटीफुल दिख रही है। देखो ये छोटे छोटे रास्ते हैं भाई, और इसमें से छोटे छोटे ट्रैक्टर जाते हैं जो बहुत खूबसूरत दिखते हैं, दवाई वगैरह मारने के लिए बोलो, ये सब के लिए। तो ये अंगूर की बाग है, हमारी नहीं है, आप लोग को जस्ट दिखा रहा हूँ मैं। तो ये रही अंगूर की बाग, बहुत ही खूबसूरत। बस इसमें से ऐसा अंदर जाके फिर हम लोग देख सकते हैं ये अंगूर वगैरह, अंगूर की बाग में। तो बस इधर ही, ये इधर ही अंगूर लगेंगे, ये देखो अभी छोटे छोटे दिख रहे हैं। तो इधर से ही शायद अभी, हाँ इधर से ही अंगूर आएंगे, अंगूर आके फिर बड़े हो गए, और फिर उसको अंगूर के शक्ल में भी बेचते हैं लोग, या तो फिर वो अंगूर से पानी निकाल के उसको सुखा के किशमिश बना के भी बेचते हैं। उसके लिए अलग से रैक बनाते हैं, वो रैक भी मैं आपको बताऊंगा। वो रैक इधर दिख नहीं रहा है मुझे, मुझे लग रहा है कि शायद इसी के ऊपर, या तो आई एम नॉट श्योर, नहीं, ये तो बाग का ही है शायद। तो उसमें एक, हाँ देखो ये रैक का, देखो आइटम इधर रखे हैं लोगों ने, ये रैक है, ये रैक कोई लोग अच्छे से जमाएंगे और मतलब प्लांट करेंगे रैक को इधर, और उसके ऊपर फिर एक कवर ऊपर बिछ मतलब लगाते हैं लोग, और उसके बाद में फिर उसको शायद से अंदर सुखा के फिर उसकी किशमिश वगैरह बनाते हैं। वो कैसा बनाते हैं मुझे पूरा प्रोसेस तो नहीं पता है, बट अगर मेरे को टाइम मिला और मैं नेक्स्ट टाइम आया, और वो टाइम पे आया जब रैक वगैरह में बन रहा है, तो डेफिनेटली मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा। लेकिन फ़िलहाल का सीन यही है कि ये अंगूर की बाग आप लोगों को जो मैंने बताया, वो जो जो मैंने बताया वही आगे तक लास्ट तक वैसा ही है। और ये गन्ने का खेत, गन्ने का खेत अच्छे 10-10 15-15 फीट की हाइट जाती है भाई, एक गन्ने के एक एक झाड़ की। देखो यार क्या लंबे लंबे हैं गन्ने के खेत। तो मैंने ग्रेप्स बताया, शुगर केन बताया, ये ज्वारी बताया, और ये जो घर दिख रहा है ये हम लोगों का घर है सिंपल सा, और उसके पीछे बहुत सारे झाड़ है। देखो केले का झाड़ दिख रहा होगा आपको, केले का झाड़ है, और हमारे फूफा ने बहुत सारे झाड़ लगाए हैं, पपैये के, ककड़ी के, भोपले के, पता नहीं क्या 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 क्या, वो आते जाते रहते हैं, मतलब वो लगाते ही रहते हैं कुछ ना कुछ, और हम लोगों को खिलाते रहती है कुछ ना कुछ प्यार से। तो ये सब इतने सारे मतलब झाड़ है, ये नीम के शायद झाड़ है, बड़े बड़े जो है शायद से नीम के झाड़ के मतलब इससे क्या बोलते हैं उसको, ब्रांच से मैं ये भी करता था, दांत भी घसता था, मतलब पहले की बहुत सारी याद है।
अभी तो हो आधी से ज़्यादा याद है, मतलब इरेज हो गई है दिमाग से, कम पता याद भी नहीं आती है। हाँ तो अभी आई थिंक इस व्लॉग को मैं इधर ही बंद कर देता हूँ। आई गेस अच्छा खासा व्लॉग आ चुका है। ये रहा घर, एक बार खाली घर के आजू बाजू का एनवायरनमेंट सराउंडिंग बता देता हूँ कैसी है। इधर देखो और भी झाड़ है, ये झाड़ इधर पेरू का भी झाड़ है, ये लींबू का झाड़ है, ये लींबू का झाड़, ये पेरू का झाड़, ये इधर और एक सीताफल का झाड़, नहीं ये पेरू का झाड़, फिर इधर एक और एक सीताफल का झाड़, घर के बिल्कुल बाजू में भी एक सीताफल का झाड़। ये देखो ये गन्ने के लिए पाइपलाइन के लिए छोटी छोटी जो पाइप्स है वो रखी हुई है खेतों के अंदर। ये हमारे फूफा की बाइक है, एक मिनट फूफा आ रहा हूँ। और ये देखो सीताफल का झाड़, ये देखो सीताफल का झाड़, ये देखो चूल्हा जो मैं बात कर रहा था, जलन जहाँ पे यूज़ करते हैं हम लोग, यहाँ पे गर्म पानी करते हैं। ये अंदर, ये बाहर का चूल्हा है, अंदर का चूल्हा अलग है। अंदर के चूल्हे में ज्वार की रोटी वगैरह बनाते हैं। अंदर का चूल्हा भी एक बार बता देता हूँ, ये देखो अंदर का चूल्हा, अरे दिख नहीं रहा है, लाइट लाइट जलाएगी क्या ज़रा वो भाई, मैं लाइट लगाऊँ ना। और ये काली बिल्ली, पहले हमारी अलग बिल्ली थी, वो बिल्ली अभी नहीं रही। ये देखो चूल्हा, इसके ऊपर ज्वारी की रोटी वगैरह बनाते, गैस के ऊपर सालन और चावल वगैरह बनाते, लेकिन रोटी सिर्फ और सिर्फ चूल्हे पे बनती है हम लोगों की। तो अभी चाय बन गई है, चाय पिए गए, उससे पहले मैं लॉक एंड करता हूँ, थोड़ा सा पीछे का सराउंडिंग ले लेता हूँ। ये पाइपलाइन बता दी आपको, गन्ने की पाइपलाइन है, ये चूल्हा बता दिया आपको, आ रहा आ रहा। और उसके बाद में ये देखो इतने सारे झाड़ पीछे भी है, केले के, ये सब। ये देखो ये आलू वड़ी का झाड़, ये जो दिख रहा है ग्रीन ग्रीन एकदम, ये आलू वड़ी, आलू वड़ी जो बोलते हैं हम लोग, आड़ू वड़ी, आड़ू वड़ी ऐसा कुछ तो। और ये केले का, और ये शायद इमली का है, बट आई एम नॉट श्योर। इमली का भी ऐसी होता है एक्चुअली झाड़, ये आलू वड़ी का। और इधर अंजीर का भी था शायद झाड़, अभी दिख नहीं रहे। हाँ अंजीर का थोड़ा आगे, एक मिनट देखता हूँ मैं। इधर हम लोग नहाते थे पहले, इधर से ये जो पाइपलाइन दिख रही है इसमें से फुल प्रेशर में पानी आता था, और हम लोग इधर बैठ के नहाते थे। मैं नहाता था बैठ के इधर, और जैसे हमारे अंकल वगैरह भी, मतलब फीलिंग ही अलग है भाई गांव की, एकदम मस्त लगता है। इधर फुल प्रेशर में पानी आता है, बस उसके नीचे बैठ जाओ और फीलिंग लो मतलब के। और ये देखो इतने सारे झाड़ है, ये अंजीर का झाड़, जो कि अंजीर अभी देखो थोड़े थोड़े दिख रहे हैं, बहुत टेस्टी अंजीर इस पे भी आते हैं और हम लोग खाते हैं इसके अंजीर। ये केले के झाड़ देखो कितने सारे केले लगे हैं, केले का घड़ जिसको बोलते हैं, इतने सारे केले लगे। ये सब बाकी झाड़ है, तबेला अभी फ़िलहाल तबेले में कुछ ज़्यादा नहीं है कुछ, मतलब हमारे जो बोलते हैं गोठा, उसके अंदर कुछ है ही नहीं फ़िलहाल। ये टॉयलेट और उसका जो बाहर निकलने का जो भी बोलते हैं उसको, वो है ये टॉयलेट और उसका ड्रेनेज। और इससे शायद चेन का तो अगर अभी, या तो उसको खत में लेते हैं यूज़ करने के लिए। और ये देखो ये बकरी है फ़िलहाल सिर्फ, पहले गोठे में दो तीन भैंसे थी, दो बैल थे, अभी सिर्फ एक बकरी है, क्योंकि अभी फुप्पो को भी मतलब इतना होता नहीं है अभी, वो भी उनकी भी अभी उम्र है और उनके थोड़ा हाथ का भी प्रॉब्लम है, तो फ़िलहाल नहीं हो पाता है। तो वो हिसाब से फिर जितना काम हम लोगों को जमता उतना ही फिर वो करते हैं। तो गाइज़ आई थिंक आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा रहेगा, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि व्लॉग कैसा है, और आपको और किस कौन से व्लॉग्स आपको देखने अच्छे लगेंगे।
तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। अभी इस वीडियो को मैं इधर ही एंड करता हूँ, 15 मिनट का वीडियो बन चुका है और इस वीडियो को अभी इधर ही एंड करते हैं। थैंक यू सो मच एंड बाय।